परंतु एक मनुष्य अगर जो रास्ता में ऐसे स्त्री संगम करे उसको उसी वक्त पुलिस अरेस्ट करेगा, उसको शासन होगा, कानून भी है। क्यों? ये मनुष्य है, वो पशु है, तो जितना कानून है ये सब मनुष्य के लिए है, जितना किताब है सब मनुष्य के लिए, एजुकेशन शिक्षण मनुष्य के लिए, पशु के लिए नहीं। इसलिए कामस्य नेन्द्रिय, काम जरूर हम लोग का है, ये 10 इंद्रिय है उसको तो कुछ देने ही पड़ेगा। हाँ, इसलिए शास्त्र का निर्देश है। हाँ, शास्त्र का निर्देश ऐसा गवर्नमेंट, जो शराब पिएगा उसके लिए एक शराब का दुकान लाइसेंस दे करके खोल देता, और ये कानून है जो शराब तुम जहां तहां नहीं पी सकते, ये दुकान में आओ और शराब पियो। जब मांस खाने की इच्छा है इसलिए शास्त्र में कहते हैं मांस खाओ, तो मना करने से सुनेगा नहीं, तो राक्षस है, राक्षस को मना करने से क्या सुने, नहीं सुने। इसलिए शास्त्र का अधीन से देखो जी, हाँ मांस खाओ, किस तरह से खाओ ना, एक काली पूजा, जब माता जी काली जी का पूजा करो और उसमें एक छाग को बलिदान दो, वो मांस तुम खाओ। रास्ता से ये दुकान से खरीद करके ये कसाई के जो मांस है उसको, मीठा मांस नहीं, ये शास्त्र का नहीं। और इसी प्रकार स्त्री संग करने की इच्छा है, लोके बवया आमिष मद्य सेवा नित्यास्त जंतु, जंतु मात्र का तीन चीज उसके भीतर में है, इसको कोई सिखाने के लिए यूनिवर्सिटी जरूरत नहीं। क्या चीज ना? बवया, स्त्री संग करना, इसके लिए कोई सिखाने को नहीं पड़ता, वो सब कोई जानता है। स्त्री संग करना बवया आमिष और मांस खाने की इच्छा, ये भी सब का विकार है। और मद्यादि सेवन, नेशावान करना, नित्यास्त जनता, ये सबके भीतर में है, इसीलिए ये भौतिक जगत में आए हैं ये सब भोग करने के लिए, ये कोई आश्चर्य बात नहीं है। बाकी इसको कंट्रोल करना ही मनुष्य का है। प्रवृत्ति रेशान भूताना निर्वित्ते सुमहाफलम, प्रवृत्ति ये सब है, उसको जो निवृत्ति कर सकता है वो जीतता, उसका नाम है जितेंद्रिय। इसीलिए योग तपस्या ब्रह्मचर्य धर्म कर्म जो कुछ शास्त्र में बताया है और कुछ नहीं है, मतलब है उसको किस तरह से ये सब काम से रोकना है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इसलिए शास्त्र में कहता है जो कामसनेन्द्रिय प्रीति, काम जरूर है, भगवान भी कहते हैं धर्म अवरुद्ध अविरुद्ध कामस्मी, जो धर्म शास्त्र में बताया है उस प्रकार काम मैं। जैसा शास्त्र में कहते हैं पुत्रार्थे क्रियते भार्या, भार्या विवाह, कुत्ता स्त्री संग करते हैं और एक लंपट भी स्त्री संग करते हैं, कि इतना ढाक ढोल बजा करके शादी विवाह को क्यों जरूरत है। जैसा वेस्टर्न कंट्री में वो लोग सब ढाक ढोल बजा के शादी करने का परवाह नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये भी स्त्री संग है, वो भी स्त्री संग है, विवाह आदि करने का क्या जरूरत है। बाकी असल जो मतलब है शास्त्र का, जो विवाह उसका कारण यही है, वो एक स्त्री से संपर्क रखे, ऐसा कुत्ता भेड़ी की कैसे सुअर कैसे जहां तहां जिसको मिल गया कोई परवाह नहीं, स्त्री संग करो, उससे रोकने के लिए और कुछ नहीं। प्रवृत्ति, उसका प्रवृत्ति है, उसको एकदम बंद कर देने से वो तो मानेगा नहीं, इसलिए उसको
वो जैसा उदाहरण आपको दिया, जो एक शराब पीने वाला है वो तो शराब पिएगा, इसलिए गवर्नमेंट उसको एक दुकान खोल देता है उसके लिए जो शराब पीने वाला है, जो भाई इधर शराब पियो, इधर से शराब खरीदो। आज का गवर्नमेंट का बिजनेस हो गया, देखता है तो शराब तो पिएगा, तो मैं क्यों बिजनेस को छोड़ता है, ये पॉलिसी हो गया, बाकी उचित नहीं है। गवर्नमेंट को नहीं चाहिए जिसको उत्तेजित करना है, गवर्नमेंट करता भी है तो वो नियम से। इसी प्रकार हम लोग को जो काम भावना है, आहार निद्रा भावना, तो इसको नाम है काम, इसको नियमित करना। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभ जीवित जाओ। जो कामना है, काम आहार निद्रा भय मैथो, इसको सीमित करो, जितना चाहिए उतना, ज्यादा नहीं। इंद्रिय चाहते आप खाने की इच्छा है, अभी खाने का, अभी घर से खा के निकला और देखा जो एक रेस्टोरेंट में अच्छा चॉप कटलेट बिक रहा है, चलो जी एक प्लेट खा ले, इस प्रकार ने जो जीवा डिक्टेट कर दिया, आज्ञा दे दी, चलो जी थोड़ा सा चॉप काटलेट खा लो, अभी भोजन करके आया घर से, पेट भरी हुआ है, फिर खाएं। चॉप काटलेट खाने का क्या जरूरत है, चॉप काटलेट खाने से भी ज्यादा तंदुरुस्त होता है, नहीं वो स्वभाव हो गया। इसी प्रकार सिगरेट पीने से कोई ज्यादा लाभ होता है, अमेरिका में वो ये कानून है जो सिगरेट का पैकेट को ऊपर लिख देता है, ये बड़ा खतरनाक है, इसमें पूरा दोष है, ये पीने से तुम्हारा बहुत हर्जा होगा, लिख देता है तभी पीता है, और सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट भी चलता है। इसी प्रकार आप वेस्टर्न कंट्रीज में, पाश्चात्य देश में रास्ता से आप देखिएगा, केवल एडवर्टाइजमेंट, ये सिगरेट का, शराब का और औरत, बस वही, और इधर स्त्री जंगा और नशा, यही सब चीज का से मना करते, नहीं जितना जरूरत है उतना ही ग्रहण करो। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभ जीवे तो जाओ, ये नहीं है जो भूखा मर जाओ, ये काम है उसको जबरदस्ती दबा करके कोई रोग को पैदा कर लो, ये बात नहीं, सीमित करके, नियमित करके, शास्त्र का अनुसार उसको भोग कर। असल तुम्हारा काम क्या है, असल काम है जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ये जो मनुष्य जीवन है ये केवल खाओ पियो मजा करो, मजा करके फिर कुत्ता भेड़ी बन जाओ, इतना मूर्ख हो गया मनुष्य समाज, तो जानता ही नहीं जो मैं किधर जा रहा हूं। शास्त्र में कहते हैं अदांत गोभी विशतांत मिश्र पुनः पुनः चर वितचर बनार नते विदु सार्थ गति ही विष्णु। जानते ही नहीं, तत्व जिज्ञासा, तत्व जिज्ञासा, दिस इज दे तत्व जिज्ञासा। ये श्रीमद भागवत जो है ये ब्रह्म सूत्र का भाष्य है, ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र जो है वैसे बनाया, फिर वो सूत्र में है उसको अच्छी तरह से समझाने के लिए ये श्रीमद भागवत कमेंटरी है, उसको भाष्य, भाष्य अंग ब्रह्म सूत्राणाम वेदार्थ परिवृतम, ब्रह्म सूत्र का भाष्य है। क्यों ये भाष्य कमेंटरी लिख लिख करके आदमी को सब विपदगामी कर देते हैं, इसलिए खास करके श्रीमद ये जो वेदांत सूत्र है वैसे का आखिरी दान है, सब वेद का जो ज्ञान है उसमें सब एकत्रित करके अल्प भाषा में उसको प्रकाशित किया, फिर उसको अच्छी तरह से समझाया श्रीमद भागवत। ये जो श्रीमद भाग वेदांत सूत्र में कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो ब्रह्म जिज्ञासा, और इधर बताते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ये तत्व जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा एक ही शब्द, ब्रह्म ही तत्व वस्तु है,
आगे जाके समझाएं कि वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्यं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सब। तो कहने का मतलब है जो मनुष्य जीवन जो है ये सुअर कुकर के ऐसे केवल खा पियो मजा करो और स्त्री संग कर को और कुछ दिन बाद मर जाओ कुत्ता बेड़ी के नहीं ऐसी बात नहीं। जीव सतत जिज्ञासा ये जीवन का तत्व जिज्ञासा मैं कौन ये तत्व जिज्ञासा पहली होनी चाहिए। ये जिज्ञासा जब तक किसी का हृदय में उदित नहीं होता है वो पशु ही है। इसलिए इतना शास्त्र बनाया गया है जो समझो तुम कौन है। तात्विक भाव से समझो, तात्विक भाव से भगवान को समझो, तात्विक भाव से अपने को समझो, तात्विक भाव से भगवान से तुम्हारा संपर्क क्या है इसको समझो, तुम्हारा जीवन का ध्येय क्या चीज है इसको समझो। इसका नाम है तत्व जिज्ञासा। जीव सतत्व जिज्ञासा न अर्थ जस्य कर्म भी। ये जो कर्मी लोग है, कर्मी का अर्थ होता है कि ऐसे कुछ काम करो जिसमें हमारा इंद्रिय तर्पण अच्छी तरह से चलेगा। जैसा आदमी साधारणतः रुपया चाहते हैं बहुत दिन भर खूब परिश्रम करते हैं, क्यों रुपया चाहिए। दीवा चाहते हया राजन कुटुंब भरा नहीं होगा। ये जो आजकल का मूर्ख समाज है सब भागवत में बताया गया। आप सदाम आत्म तत्व तत्व जिज्ञासा उसको भी सही जानता ही नहीं। अपस्ता अंधे है अपस्ता आत्म तत्व गृहेशु गृह में दिना सुतोव्याधि निराजेंद्र निनाम संति सहस। जैसे हम लोग बताते हैं कि केवल भगवान की कथा सुनो, ये हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है कृष्ण भावनामृत। डॉक्टर राव को मैं ये अनुरोध करता हूँ जो किताब कृष्ण भावना लिखे हैं उसको लिखिए कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत कृष्ण कॉन्शियस। ये जो हम लोग का प्रोपेगेंडा है यही तत्व जिज्ञासा और कृष्ण तत्व जिज्ञासा जी। भगवद गीता पढ़ो अच्छी तरह से समझो जैसे कहता है, कुछ अदल बदल ना करो। अदल बदल किया तो बस खत्म। जैसे दवाई है किसी डॉक्टर साहब लिया, डॉक्टर साहब उसमें लिख देता है डोज इतना बूंद पानी से मिला करके खाने का पहले पी ली, वो आप अपने खुद उसमें अदल बदल कर दिया है। इतना भूल क्यों, इतना भूल करो अब पानी से क्यों और किसी से किसी का साथ पी लो। यू कैन नॉट डू दैट, उसमें आपका काम ठीक नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार भगवद गीता पढ़िए, बाकी भगवद गीता जैसे बता रहे हैं ऐसे पढ़िए। अपना मतलब हासिल करने के लिए भगवद गीता नहीं पढ़िए, उसमें वास्तविक तात्विक ज्ञान होगा। और ऐसा ना समझिए कि भगवान श्री कृष्ण वो हमारा लिए छोड़ गया है जहां हम उसमें कुछ अपना भाष्य करेंगे अपना मतलब कुछ निकालेंगे इसलिए छोड़ गया। ये महामूर्खता है। जो कुछ कहने का है तो भगवान सभी तो कह दिया है, तुम कौन है जो तुम्हारा ऊपर छोड़ दिया भगवद गीता समझने के लिए। यही मूर्खता है, मूर्ख लोग यही सब करते। वो समझता हम बहुत विद्वान हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, राजनैतिक है, और हम ये भगवद गीता सब कोई इनसे परिचित है और हमारा कुछ मतलब इसका भीतर घुसा। ये बदमाशी चल रहा है और आदमी का सर्वनाश हो गया। वो तब से कुछ समझता ही नहीं किस लिए भगवद गीता है वो समझता ही नहीं, और लिख रहा है भगवान भगवद गीता का ऊपर भाष्य लिख रहा है। ये पॉलिटिशियन लिख गया ऊपर सब नाश कर दिया। नहीं ऐसी नहीं, तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा शास्त्र में बताते हैं
तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेव अभिगच्छेत् समित्प्राणी श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं। ये उसके पास जाता तत्व जिज्ञासा करने और भगवद गीता में बताया ये कठोर उपनिषद की वाणी है और भगवद गीता है तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदक्षंती तद ज्ञानम तत्वदर्शिन। तो तत्व जिज्ञासा किसका पास जाने से होगा? आप कोई पान वाला का पास बीड़ी वाला का पास जाकर के जी हमको थोड़ा भगवद गीता तत्व समझा दो, वो सारा क्या समझा? इसलिए शास्त्र में कहते हैं जो तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेव अभिगच्छेत्। यदि आप तत्व वस्तु समझने चाहते हैं तो वास्तविक जो गुरु है उसके पास जाओ, उसके पास समझो। पान वाला के पास नहीं, बीड़ी वाला के पास नहीं, उससे काम नहीं बनेगा। बीड़ी फूकता है, भगवत गीता पढ़ता है, ये सब चल रहा है। बीड़ी फूकते भगवत गीता बोलते बोलते गला सूख गया, लाओ जी दो बीड़ी लाओ। ये सब जो प्रोफेशनल है इसको पास अगर 2000-4000 वर्ष आप सुनेंगे तो ज्ञान लाभ नहीं। यदि वास्तविक तात्विक ज्ञान चाहते हैं तो जैसा भगवान बताते हैं तद विज्ञान तद विधि प्रणिपाते न। यदि आप तात्विक ज्ञान चाहते हैं तो पहले आपको आपको मैं क्या नाम प्रणिपात, इसलिए आपको प्रस्तुत होने पड़ेगा। प्रणिपात में का अर्थ होता प्रकृष्ट रूपे न निपा, बिल्कुल। हाँ, जैसे भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसी प्रकार व्यक्ति को ढूंढिए जहां जा करके अब संपूर्ण प्रणिपात कर सकते हैं। महाराज आपको चरण में अपने को हम बिका दिया, ऐसे व्यक्ति को सुनना जोड़ना चाहिए। किंतु प्रणिपात अगर आप समझते हैं जो ये स्वामी जी क्या जानते हैं गीता, हम इनसे बहुत ज्यादा जानता, तो आप ठगाने के लिए कुछ प्रश्न कीजिए जो कितना जानते हैं, उसमें कुछ लाभ नहीं। आप स्वामी जी को नहीं चाहते हैं और किसी को चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जहां जाकर के आप खुशी से प्रणिपात कर सकें। तद विधि प्रणिपात है ना, फिर परिप्रश्न कीजिए। जिसका पास आपका प्रणिपात है नहीं, उनसे परिप्रश्न करके उनको भी समय नष्ट करना, आपका भी समय नष्ट करना, ऐसी काम रखना, उसमें कुछ लाभ है। तद विधि प्रणिपात न परिप्रश्न न सेवया विका। हाँ, कारण यह है कि ये जो विज्ञान है ये सेवन मुख में ये मालूम होता है। जब तक हमको ये घमंड रहेगा कि हम तो मास्टर है, हम तो प्रभु है, जैसा महामूर्ख लोग कहते हैं हम भगवान है, हम गॉड है, तो ये सब कुछ भगवान को समझ नहीं पाए, क्योंकि इसको प्रणिपात है नहीं, सरेंडर है नहीं। और भगवान को समझने के लिए पहली बात है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, प्रणिपात, अपने को प्रकृष्ट रूपे न निपा, जो पहली समझना चाहिए। जो हमारा ऐसे मूर्ख जगत में कोई है नहीं दुनिया में, हम घमंड से ऐसी ऐसी कर रहा था, आज से भगवान आपके चरण में हम अपने को बिका दिया, आप चाहे राखिए और मारिए जो कुछ कीजिए। ये बुद्धि कब होती है? ये भी भगवान भगवद गीता ने बताया कि बहुनाम जन्मनाम अंते, ये मूर्ख लोग अनेक जन्म जन्मांतर ये घमंड में रहेंगे हम भगवान है, हम भगवान। ये अनेक ऐसे जन्म चले ज्ञानवान। तो जब ज्ञानवान होगा वास्तविक कि मैं भगवान नहीं है, मैं भगवान का दास है, उसका नाम है ज्ञानवान। और जब तक वो अपने को समझता है जो मैं भगवान है, उसका ऐसे मूर्ख और दुनिया में कोई है, ये बात असल बात है। तो इसलिए
पहले आपने को प्रणिपात, ऐसे व्यक्ति भगवान के पास प्रणिपात होता है और भगवान के जो प्रतिनिधि गुरु उसको प्रणिपात हो सकता है, दूसरे के पास नहीं। तो भगवान की प्रतिनिधि होना कोई मुश्किल नहीं है। जैसा कोई बिजनेस कैनवासर होता है, बिजनेस सिक्योर करने के कोई जाता है, तो उसको मालिक बोल देता है कि देखो जी ये चीज का इतना दाम है, तुम आदमी को समझाओ ये चीज ऐसी है, ऐसी इसको मिल सकता है। तो प्रतिनिधि का काम क्या है, उसको बोले देखो जी ये हमारा पास चीज है और इसका दाम यह है, ऐसी चीज है, ऐसी आपको मिल सकती, उतना ही बोले, ज्यादा नहीं। इसी प्रकार भगवान को प्रतिनिधि वही हो सकता है जो उतना ही बोलता है जो भगवान बोला है, और ज्यादा नहीं, ज्यादा उस्ताद ही नहीं, उतना ही बोलता है वो भगवान की प्रतिनिधि। भगवान बोलता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक अनुसरणं भज, वो प्रतिनिधि को बोलना चाहिए देखो जी सब छोड़ करके भगवान का चरण में शरण लो, बस हो गया प्रतिनिधि, कोई मुश्किल है क्या? भगवान बोलता है मन मना भव मद भक्त मद जाज मांग नमस्कुरु, बस प्रतिनिधि वही बोले कि देखो जी सब समय भगवान का चिंतन करो, भगवान का भक्त हो जाओ, भगवान की पूजा करो और भगवान का नमस्कार करो, कोई मुश्किल है? अपने भी वही काम करे और दूसरे को ही सिखाए, तो भगवान की प्रतिनिधि। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैया सक्त मना प्रार्थना योगम जुंजन मद आश्रय, मद आश्रय आश्रय, तो आश्रय मद आश्रय भगवान को आश्रय लो। ये तो जो व्यक्ति भगवान को आश्रय लिया है उसका आश्रय लो। एवं परंपरा प्राप्त एवं राजू, इसका नाम है प्रतिनिधि। और उसको उसके पास जाकर के तत्व जिज्ञासा करो, ठीक ठीक खबर मिल जाएगा, ठीक ठीक ज्ञान मिल जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ जस्ति कर्म भी, दिन भर खाली परिश्रम करना, परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमको सीखना चाहिए। जो मनुष्य तो जीव है, पशु पक्षी है, वो क्या परिश्रम करते हैं? वो जानते हैं सवेरे उठ करके किस किस कर करके कहीं वृक्ष में चला गया, उनको फ्रूट मौजूद है और थोड़ा खा लिया तो उसका आहार हो गया, निद्रा के लिए बंदोबस्त है, कोई वृक्ष में बैठ गया उसके कोई है बैठने का जगह वहाँ सो जाते हैं, और स्त्री संग करने के लिए भी उनका बंदोबस्त है, और जन्म का साथ ही साथ वो एक स्त्री उसको मिलता है, और भय वो भी भय करता है, हम लोग भी भय करते हैं, वो अपने भाई को बचाने के लिए वो जमीन में नहीं बैठता है, ऊंचा में बैठ जाता है, हम लोग भी जहाँ तक बुद्धि है एटम बम बना देते हैं। मगर इसमें फर्क क्या हुआ? चार ही काम तो हुआ, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत्फुसुरी, इससे ज्यादा उस्तादी क्या क्या है? आपने जो बड़ा उस्ताद बन गया है, जब बड़ा साइंटिफिक इंप्रूवमेंट किया, क्या साइंटिफिक इंप्रूवमेंट किया? मरने का हादसा बच सकते हैं? जो असल जो बात है, जन्म में तुझरा व्याधि दुख दो सानुदर्शन, ये दुख जो है असल दुख जो है उसके लिए आप क्या साइंटिफिक उन्नति किया है? अब ऐसे कुछ साइंटिफिक मेथड बनाया जो और आदमी कोई मरेगा नहीं, आप ऐसे साइंटिफिक इंप्रूवमेंट किया है एटम बम, जो आदमी आस्ते आस्ते मरता था, आप एक एटम बम छोड़ दीजिए एक सेकंड में हजारों लाखों आदमी मर जाए, ये आपको साइंटिफिक इंप्रूवमेंट। तो इसलिए तत्व जिज्ञासा होनी चाहिए, जीवन में वास्तविक हम लोग क्या उन्नति कर रहे हैं, जीवन का क्या उद्देश्य है, कहाँ हमको जाना है। ये जो इतना भारी ब्रह्मांड है, रात में इतना सतारा हम लोग देखते हैं, क्या चीज है, इधर क्या होता है, ये सब तत्व जिज्ञासा, किधर से बनाया, कौन बनाया, किसका ब्रेन से ये बनाया, किसका ब्रेन से। ये लोग तो थियोरिटिकली कहते हैं जो पानी जो है वाटर,
ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसको मिला करके पानी हम लोग बना दें। तो इतना जो पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन है, इतना वो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहाँ से मिला, कैसे मिलाया गया, इतना पानी किधर से, ये सब तत्व जिज्ञासा। हाँ, और खाया पिया और बाजार में गया, क्या भाव है, ये सब पूछ लिया, जिज्ञासा कर लिया, तत्व जिज्ञासा, इसमें कुछ फायदा नहीं। हाँ, ये तो सब कर्म है, कर्म से वो बद्ध हो जाता है। कर्म का अर्थ होता है काम करो, रुपया पैदा करो और खूब मजा। हाँ, तो जैसा आपको समझा रहा था, तो मजा आपको जितना आपको डेस्टिनी में है उतना ही मजा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। आपको जब शरीर मिला है सुअर का, वो गू खाने का ही मजा मिलेगा, और ज्यादा नहीं, हलवा खाने का नहीं, ये संभव नहीं है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं तस्य वा हेतो प्रजति तो को भी दो न लभते जद भ्रमताम पर जो ये उस लिए आप प्रयत्न कीजिए जो कि सारा ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए वही आपको मिला रहे। ये कर्म द्वारा आपको छोटा बड़ा शरीर मिल सकता है, आप खराब काम कीजिए तो छोटा शरीर मिलेगा और अच्छा काम कीजिए तो बड़ा शरीर मिलेगा। ब्रह्मा का भी शरीर मिल सकता है, देवता का भी शरीर मिल सकता है, और कुत्ता का भी शरीर मिल सकता है, पेड़ का भी शरीर मिलता है, तो अपना कर्म भी। हाँ, तो शास्त्र में कहते हैं इसमें अपना फंसी, ये आपका जो कर्म का अनुसार जो आपको शरीर मिला है वो ये निश्चित हो गया कि इतना ही सुख और इतना दुख आपको मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो आपको इस विषय में परिश्रम करने से क्या फायदा। तस्मात तस्य वह हेता प्रजते तकोविदा न लभते जद भ्रमताम उपरजध उपरी अध ऊपर लोक है, ब्रह्मांड लोक तक है, जहाँ की एक दिन का आयु 12 घंटा जो भगवत गीता में बताते हैं सहस्र युग पर्यंतम अरहत ब्रह्मलोकिनु। ब्रह्मलोक में जो लोग रहते हैं, ब्रह्मा जी रहते हैं, उधर भी सब ब्रह्मा जी के साथ और सब रहते हैं, तो उनका परमायु है सहस्र युग पर्यंतम। ये जो हम लोग का युग है सत्य त्रेता दापर युग, 4 युग 43 लाख वर्ष, उसको 1000 गुण कीजिए, वो ब्रह्मा जी का 12 घंटा। तो इस ऐसी ब्रह्मांड लोक में भी जाइए तो उधर से भी घूमने पड़ेगा, आवरण भुवना लोकान पुनरावर्तिन, उधर भी जन्म मरण है, ब्रह्मा जी भी मरेगा, ऐसी बात नहीं है जब ब्रह्मा जी का इतनी आयु है तो मरेगा नहीं। ये हिरण्यकशिपु को खूब तपस्या किया और ब्रह्मा जी उनके पास पहुंच गया तो क्यों जी इतना तपस्या क्यों, क्या चाहते ना, ना महाराज हमको अमर बना दीजिए, अमर हम खुद ही अमर नहीं है, तुम कैसे अमर बना, ये तो संभव नहीं, तुम आओ कुछ चाहते तो मांग लो। तो बोलते देखिए जी हम जमीन में नहीं मरेंगे, अच्छा ठीक है, हम पानी में नहीं मरेंगे, अच्छा ठीक है, आकाश में नहीं मरेंगे, अच्छा ठीक है, हम कोई आदमी नहीं मार सकेगा, ये भी ठीक है, कोई देवता भी नहीं, ये भी ठीक है, कोई जानवर भी नहीं, ये भी ठीक है, कोई अस्त्र नहीं, कोई शास्त्र नहीं, वो अपनी बुद्धि से जितना हो सकता है वो सब मान लिया, ब्रह्मा जी कह दिया सब ठीक, उसको भी मानने पर। हाँ, इतना विचार करके अपने को बचाने के लिए बंदोबस्त किया, जमीन में नहीं मरेंगे, दिन में नहीं मरेंगे, रात में नहीं मरेंगे, स्थल में नहीं मरेंगे, आकाश में नहीं मरेंगे, जितनी बुद्धि उनकी है, तो भगवान ऐसी बुद्धिमान है जब उसको मारा वो जमीन में नहीं अपना गोद, और वो शाम को संध्या का समय था, दिन भी नहीं रात में। तो वो जो मनुष्य जो बुद्धि अपने भगवान का तरफ लगाते हैं, जो भगवान को हम अंगली दिखा देंगे, तो भगवान की बुद्धि सब समय वो कुछ ऊंचाई रहता है, जितना ही करो तुम्हारा सब वो नाश कर देगा। वो मरण तुमको मरना ही पड़ेगा, इसलिए भगवान खुद कहते हैं मृत्यु सर्व हरश्च अहम। हाँ, मृत्यु जब भी भगवान को तुम नहीं चाहते हो,
तो भगवान आएंगे एक दिन, वो तो तुम बचा नहीं सकोगे, वो मृत्यु रूप से आएंगे। उसमें तुम क्या करोगे? तुम्हारा साइंस क्या करेगा? तुम्हारी मिनिस्टरशिप क्या करेगा? तुमको मरना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात नहीं कह सकते कह जी हमारे पास कमाए आप जाइए, हम तो मिनिस्टर हैं, हम बड़ा साइंटिस्ट है, बड़ा फिलोसोफर है। नहीं, अभी तुमको मरना पड़ेगा। हाँ, और तुम्हारा जो कुछ है यहाँ सब खत्म, तुम्हारा विद्या बुद्धि मकान और बैंक बैलेंस और पिता ये स्त्री पुत्र सब ये सब खत्म हो गया। अब तुम जा करके और एक शरीर धारण करो, फिर दूसरी चैप्टर शुरू करो, फिर मकान बनाओ, फिर शादी विवाह करो, फिर कुछ उत्पादन करो। वो मनुष्य का शरीर भी हो सकता है और 84 लाख जोनी है, वो तो हम लोग विचार करके तुमको शरीर दें।